सहल गांव में अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों के बीच हुई नोकझोंक, 6 घंटे तक नहीं होने दिया अंतिम संस्कार। पुलिस की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहल गांव में उस समय गर्मा गर्मी हो गई जब शमशान घाट की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया और वहां पर शव का अंतिम संस्कार करने का विरोध करने लगे। जानकारी देते हुए विनोद कुमार ने बताया कि आज सुबह उसकी बीवी की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के दौरान उसकी बच्ची की मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए वह गांव के शमशान घाट में गया था, लेकिन वहां पर रूप सिंह और उसके लोगों ने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। कहा कि ये जमीन हमारी है, शमशान घाट की नहीं। इसको लेकर पूरे 6 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच तनातनी रही। जब माहौल ज्यादा ही गर्म हो गया तो उसकी सूचना पुलिस को मिली, जहां भोजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराया गया एवं अराजक तत्वों को चेतावनी देकर वहां से खदेड़ा गया। सुबह 10 बजे करीब हुई थी सर। तो क्या हुआ था उसके बाद? सर, ये बच्ची हुई थी, होने के बाद में 12 बजे करीब ये सर ये खत्म हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी। तो कब से आप यहाँ पे इसको ले बैठे थे? सर, हम तो 2 बजे करीब आ गए थे यहाँ पे, 2:30 बजे करीब। और अब क्या समय हो रहा है? अब सर समय 6 के आसपास हो रहा होगा। लगभग कितने घंटे आप यहाँ बैठे रहे सर? 3-4 घंटे बैठ चुके हैं। तो ना क्या यहाँ पे ना ये आपका शमशान घाट था क्या? जी सर, सर हमारे दादा से लेकर परदादा तक यहाँ पर ही अंतिम संस्कार जो बोलते हैं हिंदू धर्म में, जो चिताई जलती है, वो सर यहाँ पर ही होया। जब से मैंने अपना होश संभाला है सर, 28-29 साल का मैं भी हो चुका हूँ सर। सर मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, ताऊ और जो थे, सबका यहाँ अंतिम संस्कार होया था। तो ये क्या ग्राम समाज की जगह है क्या है? सर ये जमीन हैरून है, उनके नाम में है सर ये। और सर ये कहते हैं कि ये जमीन हमने खरीद ली है, जो जिनका नाम रूप सिंह है, जाति से जाटा पे ग्राम सेल के रहने वाले हैं सर। ये तो हमें नहीं पता खरीदी नहीं खरीदी, जिन्होंने जिनका नाम लेते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने 20,000 रुपये में ही रखी थी जमीन अंगूठा लगा के। और सर इस पर विवाद चल रहा है, शमशान हमारे पूरे बहुत ऊँचे थे पहले, और यहाँ पर ही सारा कार्यक्रम होता था। और आज जब मेरी बेटी ख़त्म हुई तो इन लोगों ने हमें उसका क्रियाक्रम करने से मना कर दिया और हमें डराया भी था, धमकाया भी था, डल्लम बैल लाकर सब इन्होंने खड़ा कर दिया। तो फिर किस तरीके से आपकी बेटी का ना दाह संस्कार हो पाया? सर हमारा संस्कार जो है बेटी का, एसओ साहब आए थे भोजपुर थाने से जी, वो आए, उन्होंने हमारा आके करवाया यहाँ पर, उनकी मदद से हमारा ये काम हो पाया। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद यूपी पुलिस को? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो परेशानी आज हमने उठाई है, आगे कोई परेशानी हम ना पड़े हमारे लिए। और हम विनती करता हूँ मैं, पक्का बनवाया जाए कि सर ये हमें पक्का बनवाया जाए और ये हमारे दर्ज रूप में हो जाए, जो बाल्मीकि समाज के, ये मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। और जो भी मेरे जहाँ तक भी पहुँचेगी ये वीडियो, सबसे मेरी विनती है कि ये हमें कोई आगे जाके, ये आज छोटी बच्ची थी जो कि इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी उसको, और आगे और भी देखो मरना तो है सबको, मरना है। आगे कोई ऐसा कुछ होता है तो बताओ कि हम अपने घर में लेके बैठे रहेंगे? ये लड़ाइयाँ करेंगे पहले, ये अपने हम जो मरेगा उसको देखेंगे, ये लड़ाइयाँ करेंगे? ये लोग मारने के लिए तैयार थे, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे सर। ये ऐसे हालत में इंसान लड़ेगा या अपने जो संबंध में जो भी हो परिवार का, ये उसे देखेगा सर? आप बताइए सर।